विषय देखिए बहुत गंभीर विषय है और इतना गंभीर विषय है और आप सारे लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की लगातार बातें सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आप लोग भी समझ गए होंगे और यहाँ से निकलने के बाद समझाने का भी काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से डिब्बा बंद खाने से वास्तव में भाई हमें और आपको सोचना होगा कि कितनी परेशानी वास्तव में इम्यूनिटी वीक हो रही हमारी आपकी। कोविड में बहुत लोग शिकार हो गए इसके। उसके अलावा आज समझिए कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी लोग कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा जो देश है, देश का जो भविष्य है, भविष्य का निर्माण नौजवान बच्चे करते हैं, वो बच्चे अगर कहीं ना कहीं से कमजोर हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनका दिमाग कमजोर हो रहा है, तो इसमें डिब्बा बंद खाने का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको हमें और आपको रोकना होगा। तो रोकने के लिए क्योंकि लेकिन जिससे मेरी बात लगातार हो रही थी इसके पूर्व में भी, और जो एक्ट बने हैं ईमानदारी से उस एक्ट का पालन नहीं हो पा रहा। नहीं कहना चाहिए, मेरे साथी हैं सदन के, एके शर्मा साहब अभी जुड़े हुए थे हम लोगों से, बहुत सारी बातें कहीं बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे। हमें लग रहा है कि सरकार जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रही और जो कहना चाहते हैं वो जनता नहीं समझ पाती और जो जनता कहना चाहती है वो नहीं समझ पाते। तो हमें लगता है कनेक्टिविटी की कमी है सरकार की और हमारे आपके बीच की, तो उसको पूरा करने का काम हम लोग विपक्ष के लोग करते हैं। तो ये बात जो आपकी है बहुत मजबूती के साथ विधान परिषद में रखने का काम मैं करूंगा और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि क्योंकि इस कमेटी का मेंबर हूँ, स्टेट का, पूरे प्रदेश में जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसकी स्टेट की जो कमेटी है विधान परिषद की, उसका मेंबर हूँ। तो इस चीज को मैं कड़ाई से पालन कराने का भी काम कराऊंगा अगली बैठक में कि ये जो 500 मीटर तक जो बच्चे वास्तव में है, बच्चों को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और ये चीजें फ्रंट पे होनी चाहिए कि हम खा क्या रहे हैं, हम पी क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा एक्चुअली हमको मालूम ही नहीं है, हम सही बात है शरीर के डिब्बों पे लिखा रहता है शराब पे लिखा रहता है हानिकारक है और बड़ा लिखा रहता है, हम कह रहे हैं कोई अपने मन से खा लिया नहीं, अलग बात है। लेकिन हमें और आपको जागरूक सरकार को करने का काम करना चाहिए था जो सरकार अभी नहीं कर पा रही है। हमें पूरा विश्वास है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी, हमें लगा कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए, बहुत सारी चीज हम भी सोच के आके कहने के लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारे कहने के पहले लगातार बहुत देर से बैठा था, सबकी बातें सुन रहा था और लगभग सारी बातें तो हमारी भी आ गई उसी में। तो दो बात कह दे रहे हैं कि पहली चीज कि जब तक हमारी सरकार नहीं बनी है तब तक तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ इस कमेटी के माध्यम से मदद करा दूंगा, जो एक्ट बने हैं उस एक्ट को मैं अमेंडमेंट कराने का काम करूंगा, उस एक्ट को लागू कराने का काम करूंगा और दूसरी चीज आपकी लड़ाई को विधान परिषद उठाने का काम करूंगा। और सरकार अगर हमारी बन जाएगी तो सरकार बनने के बाद तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पहली कैबिनेट की बैठक में इस चीज का फैसला करा देंगे कि सबसे पहले फ्रंट में होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोगों का अच्छा प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।